स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट ए क्या है, जिंक इज यूज्ड इन द गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। गैल्वेनाइजेशन आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। जिंक इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, सही है। इट्स अ कोटिंग ऑन आयरन आर्टिकल्स इंक्रीजेस द लाइफ ऑफ इट बाय प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम रस्टिंग। तो जब हम आयरन के ऊपर गैल्वेनाइजेशन करते हैं तो उसकी वजह से इसकी लाइफ इंक्रीज हो जाती है, ये भी सही है, क्योंकि इससे इस पे रस्ट नहीं लगता, ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में नहीं आता और इससे इसकी लाइफ इंक्रीज हो जाती है। तो स्टेटमेंट ए भी करेक्ट है और स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है। सो हमारा ऑप्शन है थर्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी इजीली केप्ट इन अ कंटेनर मेड अप ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का हमारे पास है सॉल्यूशन, ठीक है। अब इनमें से हम किसके कंटेनर में रख सकते हैं ताकि ये इसी फॉर्म में पड़ा रहे या रिएक्ट ना करें। एल्यूमिनियम में तो बिल्कुल नहीं रख सकते, ये तो वैसे रिएक्टिव होता है। सिल्वर में रख सकते हैं, जिंक में नहीं रख सकते और लेड में भी नहीं रख सकते, इसलिए हमारा ऑप्शन हो गया सिल्वर। सिल्वर होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको इसके अंदर रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू गोल्ड। अब ब्लू गोल्ड एक एलॉय है, ब्लू गोल्ड क्या होता है, गोल्ड तो हो गई प्लस इंडियम, ठीक है, इसको हम ब्लू गोल्ड कहते हैं और ये नेचर में ब्रिटल होता है, ठीक है, ये ब्रिटल ब्रिटल यानी हार्ड होता है, इसलिए इसके हम ऑर्नामेंट्स नहीं बनाते हैं। ब्लू गोल्ड किससे बनाता है, गोल्ड और इंडियम से, और ये नेचर में ब्रिटल होता है। तो हमारा ऑप्शन हो गया बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज करेक्ट ऑर्डर एज पर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। आपने वो तो पढ़ा ही होगा रिएक्टिविटी टेबल या रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें हमने देखा है कि जिंक पहले आता है, फिर फेरस आता है, फिर कॉपर आता है और फिर एजी आता है। ये इसी ऑर्डर में तो नहीं आते, लेकिन वैसे इनके बीच में, जैसे इसके बीच में कुछ है एलिमेंट्स, इसके बीच में भी है, इसके बीच में है, लेकिन ये इस ऑर्डर में आता है। ये ऊपर सबसे ज़्यादा, ये ऊपर रिएक्टिव वाले हैं, मोर रिएक्टिव, और नीचे कौन से आते हैं, लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो ये ऊपर ज़्यादा रिएक्टिव वाले नीचे आएंगे, तो इनमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से देखने में से तो कोई भी नहीं लग रहा, लेकिन असल में वास्तव में कौन सा होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमने देखा है लेयर्स में प्रेजेंट होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो ये इधर से इधर ऐसे जाते हैं, लेकिन अगर हम इसका टेम्परेचर हाई कर दें तो इस डायरेक्शन में ना जाकर इस डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, यानी ये दोनों ही फॉर्म में या दोनों ही डायरेक्शन में अपने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन मर्करी एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। जहां मर्करी आ जाए वहां हम सबसे पहले देखेंगे कोई अमलगम वाला कंपाउंड है या नहीं, यानी जहां अमलगम होता है वहां मर्करी जरूर प्रेजेंट होता है। देखते हैं, ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में देर का जिंक अमलगम, यानी हमारा ऑप्शन हो गया डी। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। वो मेटल्स की एबिलिटी बतानी है या वो प्रॉपर्टी बतानी है जिससे मेटल को एक थिन वायर में हम वो कर सकें या ड्रॉ कर सकें। तो ये प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, पहले देखते हैं कंडक्टिविटी क्या होता है। कंडक्टिविटी यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्टिंग ऑफ यानी फ्लो ऑफ करंट, इसको भी हम कंडक्टिविटी कह देते हैं। जिनमें करंट फ्लो करता है वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। सोनोरिटी, सोनोरिटी रिलेटेड टू साउंड, जैसे हमने कोई भी एलिमेंट या कोई भी मटेरियल को बीट किया, अगर वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके पास सोनोरिटी की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी यानी अगर हम किसी भी मटेरियल को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकें तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलेबिलिटी। और हमारे पास ए ऑप्शन यानी लास्ट कौन सी है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम कोई भी मटेरियल को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो गया ए। So thanks guys for watching this video. Please subscribe our channel for NTSE crash course.
हमने इसके अंदर असाइनमेंट्स डाल रखे हैं, आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। हम सैटरडे को असाइनमेंट्स अपलोड करते हैं और उसके बाद में उनके वीडियो सॉल्यूशन भी देते हैं। आप चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट rancikeonlinelearning.blogspot.com। थैंक्स।